हाय दोस्तों, मैं हूं शेखर राम और अब आपके सामने कुछ अलग अलग आवाज का एक परफॉर्मेंस करने जा रहा हूं। मान लो धर्मेंद्र साहब अगर शोले के अंदर जब ऊपर से कूद रहे थे हैं, अपनी सुसाइड करने जा रहे थे, तो नए पुराने एक्टर सारे मिलकर अगर उनको समझाएंगे तो क्या माहौल बनेगा। अगर वहां प्रेजेंट होते सारे एक्टर्स तो क्या माहौल होता। मान लो धर्मेंद्र साहब ऊपर से गिर रहे हैं। गांव वालों, आज मुझे बसंती से शादी करनी है। गांव वाला, अगर मुझे बसंती नहीं मिली तो मैं ऊपर से गिर के अपनी जान दे दूंगा। मान लो उसी वक्त सामने से आ गए प्रेस राहुल साहब। ये आ रहा थे वहां काय को गिरा रहे हैं। यार मेरे पास मान, ये बेरो गिरने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि गिरने से ना तेरे को कोई बसंती मिलेगी ना ही कोई प्यार देवा, बीच में लटके रहोगे। यार बाबा कोई समझाई से देवा। मान लो उसी वक्त सामने से आ जाएंगे नाना पाटेकर साहब। अच्छा नहीं किया तुमने, एक बात बता मेरे को, बीरू भाई मरने से कुछ भी फायदा नहीं, ऊपर गिरने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर मिलने वाला होता तो दुनिया में बहुत सारे आदमी ऐसे थे जो मरने के बाद अपने प्यार को पा सकते थे। बहुत बेवकूफी है ये, जो गिरने से पहले आपको ये सोचना चाहिए क्या कर रहे हो। मान लो उसी वक्त शाहरुख खान साहब आ जाते। मरने का नहीं, मरने से कुछ भी फायदा होने का नहीं। अगर मरने से प्यार मिलता तो मैं अपनी किरण के लिए नहीं मर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि मुझे प्यार में अगर कुछ पाना है तो मौत को नहीं अपने प्यार को पाओ। मान लो उसी वक्त सामने जाते हैं गुलशन ग्रोवर साहब। ओ नीचे आजा पैडमैन, नीचे आजा, मरने से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि मरने से अगर कुछ हासिल होता तो बहुत सारी दुनिया ये इस्तेमाल करती। एक बार मैंने भी मरने की कोशिश की थी। ओ पैडमैन, किसी ने मुझे बताया कि मरने के बाद ऊपर ना कोई गोल गप्पे मिलेंगे ना कोई चाट मिलेगा, तो मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तुम मेरी मान तो आप भी नीचे आ जाओ। मान लो उसी वक्त सामने से आ जाएंगे सुनील शेट्टी। बेरो कल क्यों मरना चाहते हो आप? मरने से कोई बेफायदा नहीं है, अगर मरने से प्यार मिल जाता तो मैं अपने मान चले के लिए नहीं मर सकता था क्या? लेकिन मुझे पता है कुछ मिलना नहीं। एमा इसे समझो, मरने से कोई भी फायदा नहीं, क्यों मरने जा रहे हैं? मुझे किसी भी हालत में बसंती से शादी करनी। मान लो उसी वक्त आ जाएंगे जैसे मुकेश खन्ना साहब। भीरू भाई, ये मरने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, मैं मानता हूं कि आप अपने प्यार के लिए अपनी जान देना चाहते हो। अगर मेरे पास इस वक्त शक्तिमान के कपड़े होते तो मैं आपको ऊपर जाके बचा लेता, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं भूल के अंदर अपने घर पे रख के आ गया। तो मान लो उसी वक्त आ जाते अमरीश पुरी साहब। अरे वीरू, अबे क्यों मरना चाहते हो? देखिए आप नीचे आ जाओ, मैं बात करूंगा मासी से, क्योंकि मासी की और मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, डॉन की बात कभी रॉन्ग नहीं होती। तो मान लो उसी वक्त आ जाते अमिताभ बच्चन साहब। देखिए भाई भीरू, जैसा भाई कैसे को गिरने से कुछ भी फायदा नहीं है, चढ़े हुए आप और हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा भाई यहाँ का, सारे पब्लिक कह रहे जय, आप जाके बजाइए भीरू को, भीरू ऊपर जाके सुसाइड कर रहा है, तो देखिए भाई हमारे मान्य अपने सब नीचे आ जाइए, कोई फायदा नहीं है। देखे देखे भाई, ऊपर गिरने से कोई भी फायदा नहीं है, गिरने से ना तो आपको बसंती मिलेगी, बसंती भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई प्यार होगा, बीच में लटके रहोगे भाई। तो सामने से आते हैं जैसे ऋतिक रोशन। मेरे अंकल, आप बहुत गलत कर रहे हो, मैं आपको चाहता हूँ आप नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि आप जिंदगी से थक चुके हो और आदमी का लक्ष्य वो होता है जो अपनी जिंदगी से हर वक्त लड़ता रहे, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको अपनी पसंदी जरूर मिले, लेकिन आप गिरने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए अंकल, और एक बार मेरे घर चलिए, मैं आपको बॉल बेटा मिलाऊंगा, डेफिनेटली आपको माइंड आएगा और डेफिनेटली आप अच्छा सोचोगे। नहीं भाई, आज मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ।
मान लो उसी वक्त गोविंदा साहब आ जाएगा, क्या कर जाएगा? अरे भैरू जी, आप समझदार आदमी हो गए, आप ऐसे उभर रही उभर रही गिरने की ऐसी हरकत करें हैं? वो भी जाते ना, वो भाई यार प्यार में जानते ना, वो बकवास है, क्योंकि प्यार में जानते नहीं बात ना, ऊपर जाते ना नीचे बीच में लटके रहते हैं। अरे भाई प्यार कर रहे हो ना तो दिल से करो, उसको तामा दो यार, अरे काहे को प्रेम करते तुम अपने प्यार प्रेम आपस में बांटने। तो मान लो उसी वक्त सामने आ जाते हैं शनिदत्त साहब। ये बीरू भाई, ये काई को टीम से लेने का तेरे को, काई को गिरने का ऊपर से अपन बोलता तेरे को नीचे आने का, अपन समझाएगा मासी को, अगर नहीं समझेगी ना तो अपन घोड़ा निकालेगा और साली का छे 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 उसके दिमाग में डालने का, क्या अपन का कहना मान अपने नीचे आने का और टेंशन नहीं लेने का, क्या? जैसे उसी वक्त आ जाते राजकुमार साहब। जानी लगता है आप अपने जिंदगी से हार चुके हैं, और जो आदमी जिंदगी से हार जाते हैं उसे कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। आदमी को किसी से डरना नहीं चाहिए, ना बंदूक से ना तलवार की धार से, डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तो आप हमारे कहना मानिए, आप नीचे आ जाइए। तो सामने से आ जाएंगे जॉनी लेवर साहब। बाबा काय को मरना चाह रहे थे बाबा, मैं चाहता हूँ कि आप नीचे आओ, अपने आपस में सलूशन करो, आपस में बात करो, मैं बात करूंगा मासी से। ये क्या प्रॉब्लम है बाबा, मरना चाह रहे, कुछ तो सोचो है? सोचते समय मुझे पता है क्या, मासी से मैं बात करने जाऊंगा, मरने के बाद ना ऊपर जाओगे ना नीचे जाओगे, बीच में टंगे रहोगे, लाश बनके आत्मा बनके क्या फायदा मिलेगा बाबा? मान लो उसे बख्शा ने दिवस आवाज, ओए बाबा आप क्या कर रहे हो, आप आत्महत्या करने जा रहे हो? कम से कम हमारे नहीं तो हमारे बॉबी के बारे में तो सोचो, आपके बिना हमारा सहारा क्या है? बेटे आज मैं मरने जा रहा हूं, बेटे आप आते हो नीचे या मैं ऊपर आऊं? अगर मेरा दिमाग घूम गया तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, और पापा भी मैं प्यार से समझा रहा हूं, और अगर मैं ऊपर आ गया तो फिर अपने हाथों से समझाऊंगा। बेटे मैं आ रहा हूं, शनि मैं आ रहा हूं। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा परफॉर्मेंस था जो हमने आपके सामने प्रदर्शन किए। अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हर मेरे नए वीडियो आप देख सकते हो, और इस प्रकार से आप शेयर करें, उसे लाइक करें। इसी के साथ मेरा प्रोग्राम जय हिंद, धन्यवाद, जय माता।